ठीक गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज अपन पढ़ने वाले हैं सेवन्थ नंबर की स्लाइड जो अपनी होने वाली है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के ऊपर। ठीक है, तो टेस्टिस का पहले अपन जनरली देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद अपन उसकी हिस्टोलॉजी की बात करेंगे एंड फाइनली अपन इसका डायग्राम देख के इसकी अपन स्लाइड देखेंगे। ठीक है, इतना समझ आता है। तो यार बात करते हैं अपन यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की। ठीक है, तो टेस्टिस मेनली होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अपने को पता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, क्या होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में मिलती है, एब्डोमन के अंदर नहीं मिलेगी, एब्डोमन से बाहर मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, और ये किसके अंदर मिलती है अपने को, मेनली स्कॉटम के अंदर। ठीक है, टेस्टिस। आगे बात करें इसके शेप की, तो शेप इसका क्या होता है, ओवल शेप होता है। ठीक है, और इसका एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब कि दो टेस्टिस। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बात करते हैं इसका काम क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाता है मेल्स में, इतना अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अपन इसकी हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी में इसमें मेनली तीन लेयर देखने को मिलती हैं। पहली होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर होती है। अगर बात करूँ कि पूरी टेस्टिस है तो जो इसकी आउटर लेयर होगी सबसे बाहर वाली, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो ये देखें इसको क्या है, ये डबल लेयर है। ठीक है, अगर डबल लेयर है तो इसका मतलब क्या है, ये कोई सा ना कोई सा सैक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ कैसे दो लेयर है ये मिला दी मैंने, तो इसके अंदर एक सैक टाइप का बन गया। ठीक है, अगर ये सैक बन गया तो इसके अंदर कुछ सीरस फ्लूड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सैक बना है दो लेयर से मिलकर, डबल लेयर से, तो जो लेयर अपनी ऑर्गन साइड होगी, मतलब कि जोंसी वाली लेयर अपनी टेस्टिस की साइड होगी, दैट्स नॉन एज बिसलर। ठीक है, जो बिसरल लेयर बोलेंगे उसको अपन, ठीक है, और जो अपनी आउटसाइड होगी, आउटसाइड को फेस करेगी लेयर, उसको अपन बोलते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है, तो दो लेयर से बना होता है, बिसरल प्लस पेराइटल। हमेशा याद रखना बेटा, जो बिसरा की साइड लेयर होगी उसको बिसरल लेयर बोलते हैं, और जो बाहर की साइड होगी पेरीफेरी साइड, उसको अपन बोलते हैं पेराइटल लेयर। ठीक, दो हो गई। आगे बात करते हैं हम ट्यूनिका एल्विजिनिया की। ठीक, जो ट्यूनिका एल्विजिनिया है ये मिडिल लेयर होती है। ठीक है, सबसे आउटर देखनी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्यूनिका एल्विजिनिया। ठीक है, ये मिडिल होती है, तो अभी देखो इसका फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। ठीक है, जब ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, और इसके बाद ये बनाती है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है कम से कम 200 से 250 लोब्यूल्स। ठीक है, उन लोब्यूल्स के अंदर देखने को अपने को मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर देखने को मिलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके अंदर जनरली स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे ट्यूनिका जो अपनी वेस्कुलरिस होती है। ठीक है, वेस्कुलोशा बोल सकते हैं। ठीक है, जो ट्यूनिका वेस्कुलरिस होती है, वेस्कुला होती है, तो जल्दी क्या इसका नाम कहाँ से है, वेस्कुलोशा। ठीक है, मतलब क्या, वेस्कुलर मतलब कि यहाँ पे क्या, वस्कुलर मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे। ठीक है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है, मतलब कि हाईली वेस्कुलर लेयर्स होगी ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, ब्लड वेसल्स ज़्यादा मिलेंगी, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, और अपने को पता होना चाहिए कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसमें 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं वो 200 से 250 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मेनली होता क्या है। ठीक है, एक पूरा का पूरा ऐसा पोर्शन होगा, ठीक है, ट्यूब्यूल सा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलेंगी, सर्टोली सेल्स। अब मैं बात करूँ कि ये सर्टोली सेल हो गए अपने, ठीक है, अब सर्टोली सेल हो गए अपने ये वाले। ठीक है, अब सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल्स भी बोलते हैं इनको, अपने को पता है, इनका मैं फिजियोलॉजी में आपको सेपरेट पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, इसकी लोकेशन वगैरह जो अपने सर्टोली सेल, इनकी लोकेशन और फंक्शन फिजियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या रहता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करते हैं स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये एक चीज़ का और फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर, मतलब BTB। ठीक है, ये जनरली होता है ऐसा है कि देखो कि ये मान के चलो ऐसा होता है जनरली, कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ रहता है अपना क्या, बेसल लेमिना, इसके ऊपर जनरली अपना ये वाला बन गया, एक दो बन गए। ठीक, तो इनके बीच में यहाँ पे एक बैरियर टाइप का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के थ्रू, अब इस बैरियर के थ्रू क्या होता है कि ऐसा बैरियर पूरे में बना होता है सर्कल में। ठीक है, इस वजह से जो बाहर का कोई एजेंट है वो इसके थ्रू अंदर एंटर नहीं कर सकता। ऐसे मानकर चलो जनरली कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो टेस्टिस के अंदर एंटर कर गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर कर गया, तो क्या होगा, वो टॉक्सिन क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। ठीक है, जो स्पर्म का डेवलपमेंट चलना था वो नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए अपने को ब्लड टेस्टिस बैरियर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, आगे बात करते हैं अपन, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, इनको आप लिख लिया करो यार, अलग से आपको काम आएंगे। ठीक है, डेवलपिंग स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक सेल, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं तो उनकी डेवलपिंग स्टेज, मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ तक जो फॉर्मेशन चल रहा है वो सारा का सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में चलता है। ठीक है,
और बात करते हैं लीडिंग सेल्स की, इनको अपन इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ठीक है, तो इन दो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होगी और उसी स्पेस में अपने को सेल्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गई, मतलब कि दो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच की स्पेस। ठीक है, अब क्या होगा जनरली कि यहाँ पे ये सीक्रेट्स क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और आपको पता होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल, जो मेल होते हैं, तो मेल में क्या जो हेयर ग्रोथ है, उनकी मस्कुलर बॉडी है, ठीक है, उनका जो फाइनली जो प्यूबर्टी में आने के बाद जितने भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मोस्टली अपना जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे एक लिखा है क्या, मायलोट सेल। ठीक है, तो मायलोट सेल मेनली क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स मेनली क्या करवाते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो ये वाले सेल क्या हेल्प करेंगे कि जो मैच्योर स्पर्मेटो जो आते उनको रिलीज करवाने में। ठीक है, मतलब कि अब उनको डक्ट्स में डालना पड़ेगा ना बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो वो काम करवाते हैं मायलोट सेल। ठीक है, मायोट सेल्स, और मायोट सेल्स जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह, ऑक्सीटोसिन वगैरह, इनसे अफेक्ट्स होकर कंट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अपन इसके क्या डायग्राम की। तो डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसमें अपने क्या कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं मेनली। ठीक है, और जो सबसे इनर है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल से बनी, जो रेड कलर से यहाँ पे आपको ब्लड वेसल से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन यहाँ पे कि देखो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये पूरी पूरी है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ठीक है, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को अपन करते हैं जूम। अब इसको जूम करके देखें तो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द सर्टोली सेल। ठीक है, और ये सर्टोली सेल जिसके ऊपर आपको लगे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, अब सर्टोली सेल हो गए अपने पास, और यहाँ पे सर्टोली सेल्स के बीच में आपको यहाँ पे एक कनेक्शन सा दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, इसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ देख लेते हैं कि आपको लीडिंग सेल्स बताने, तो अब यहाँ पे दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनकी बीच में आपको जो सेल्स देखने को मिल रहे हैं इसको बोलेंगे लीडिंग सेल्स। ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेल भी देखने को मिल रहे हैं जिनको अपन बोलते हैं मायोट सेल्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें यहाँ से स्पर्म्स वगैरह को डक्ट में डलवाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ फिर से, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है अच्छे से, अब दिख पाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ तो ये अपना क्या, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक, इस वजह से यहाँ से कोई चीज़ अंदर एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो आपको यहाँ सेल दिख रहे हैं ये वाले अपने क्या हो जाएंगे, मतलब कि अपन बोल सकते हैं जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी, ऐसे करके। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन इसकी क्या एक स्लाइड, कि आप अगर देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा, तो आप इसको कैसे पहचानोगे, देखो आपको यहाँ पे जनरली जो दिख रहा है ना, ये सारे के यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दिखते हैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जब आप देखोगे ना स्लाइड में तो ऐसा दिखेगा। जब भी आपको ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है तो आप समझ जाना कि अपने टेस्टिस का डायग्राम है या फिर टेस्टिस की स्लाइड है। ठीक है, और यार एक चीज़ याद, हमेशा याद रखना कि यार स्लाइड कभी एकदम से पूरी याद नहीं होती है, डेली आप एक एक लेक्चर देखिए, एक एक स्लाइड याद करो। ठीक है, उसको रिवाइज करो तो ज़्यादा अच्छे से याद होगी। मैं आपको कुछ टाइम बनाने बाद आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मेरी भी यार जो स्लाइड सारी रिवाइज होती जा रही, मेरे को भी और अच्छे से याद होती जा रही। अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इनको पढ़ूँ, अब मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ कौन सी स्लाइड किसकी है। ठीक है, तो ऐसे आप भी बता सकते हो, बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार देखो उन चीज़ों को। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल एंड वाइवा में भी पूछ लेते हैं यार कभी कभी, एग्जाम में तो आती है। ठीक है, तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि ये भी अपने को नंबर प्रोवाइड करवाती है यार एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से लोब्स दिखेंगे तो इनसे आपको इनको पहचान जाना है। ठीक है, तो यार बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।